परिवार को लेकर, हिंदू परिवार बड़े विघटित होते चले जा रहे हैं। तलाक जैसी चीजें आ गई हैं। हिंदू धर्म में तो ये नहीं है, लेकिन सरकार ने हिंदू कोड बिल लाकर तलाक जैसी प्रोविजन को लाकर रखा। तो सबसे पहली बात हम ये पूछना चाहते हैं, क्या हिंदू धर्म में ऐसा कोई प्रोविजन है जिसमें तलाक धर्म अनुसार दिया जा सकता हो, या फिर ये ऊपर से थोपा गया एक सरकारी फरमान है? दूसरा, एक और इसके पीछे एक सवाल आता है कि फैमिली प्लानिंग, क्या फैमिली प्लानिंग करना चाहिए? क्या ये धर्म संगत है? दोनों और बातें हैं जी, किसमें जी दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ विवाह विवाह जो है ना वो संस्कार है, और संस्कार कभी तोड़ने के लिए नहीं होते। ये आप अच्छी तरह से नियम बना करके दिमाग में बिठा लीजिए, सारे संस्कार जोड़ने का काम करते हैं। हमारे यहाँ संबंध 7 जन्मों का संबंध होता है, विवाह कोई एक जन्म का नहीं है। यहाँ तो एक जन्म में 7 शादियां कर लें, 7 विवाह कर लें, ऐसे ऐसे लोग देखने में आते हैं दूसरों की। यहाँ तो पथभ्रष्ट लोग हैं। हमारे यहाँ की परंपरा तो बड़ी विलक्षण है, धार्मिक संस्कृति हमारी जो है वो 7 जन्मों की संगति की बात करती है। गांव में तो आम बोलचाल में लोग कहते हैं कि ये तो हमारे 7 जन्म की साथी है, इस तरह से बात करते हैं। अब उसको मजाक में लोग कहने लगे कि हमारा आखिरी जन्म है, हम भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं। हमारे यहाँ पति पत्नी दो होते ही नहीं है, आप ये बात ध्यान रखो। पहले तो हमारे यहाँ जो विवाह की परंपरा है, शास्त्रीय विधान में पुरुष तब तक अपूर्ण माना जाता है जब तक कि उसका विवाह ना हो। इसका अर्थ है कि वो आधा है, दूसरा विवाह विवाह करने के बाद में ही वो पूरा होता है। वामांग में जब पत्नी बैठी होगी तभी आदमी पूरा हुआ है, नहीं तो वो अपूर्ण है। और आप चकित हो जाएंगे, यज्ञ में अविवाहित व्यक्ति को बिठाने का अधिकार नहीं है, यानी जिसका विवाह नहीं हुआ है वो बैठ नहीं सकता है। तो शादी करके जो पूर्ण हुआ है, उस जिस अंग के कारण वो पूर्ण हुआ है, उस अंग को अलग करने का तो कोई विधान हो ही नहीं सकता, उसको तो तोड़ा जाने का विधान हो ही नहीं सकता। इसलिए तलाक जैसी कोई व्यवस्था, अच्छा तलाक जो शब्द है वो स्वयं में घोषित कर रहा है कि वो हिंदू शब्द नहीं है, कि हिंदी शब्द नहीं है, कि शास्त्रीय शब्द नहीं है। और तलाक शब्द जो है वो कहीं पर भी आपको संपूर्ण शास्त्रों में नहीं मिलेगा, उसको हिंदी अनुवाद में संबंध विच्छेद के नाम से दे दिया, लेकिन पति पत्नी के संबंध विच्छेद नामक कहीं पर भी कोई विवरण आपको प्राप्त नहीं होता है। शिवपुराण के महात्म्य में यह कथा प्राप्त होती है, लेकिन वो भी अलग तरह की कथा प्राप्त होती है। वहां तिलांजलि देने की बात आई है कि उसके अशुभ कर्मों के कारण, उसके पातकीय कर्मों के कारण तिलांजलि दिया। तिलांजलि देने का अर्थ तलाक नहीं है, उसका दूसरे संदर्भ में। लेकिन केवल एक दो उदाहरण ऐसे देखने को मिलते हैं, शास्त्रीय विधान तलाक के रूप में नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, आपने कहा कि पारिवारिक परिवार नियोजन संबंधित जो बातें कही, उसमें एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं। हमारे जो शास्त्र हैं उनकी सोच, ऋषियों की सोच, वैदिक ऋषियों की सोच बड़ी विलक्षण है। शास्त्र ये कहते हैं कि बहुत सारे भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी संतान एकदम नहीं होना। हालांकि इसमें थोड़ा मतभेद लोग करते हैं, कई लोग कहते हैं कि बहुत सारी संतान होनी चाहिए, बहुपुत्र लाभ ऐसा करके संस्कृत में आशीर्वाद दिया जाता है कि आपको बहुत संतान हो, इस प्रकार की शुभकामनाएं दी जाती हैं। और लेकिन कई लोग वैदिक वेद में, मैंने एक मंत्र पढ़ा कि बहुत सारी संतान नहीं होनी चाहिए। दोनों बातें समर्थक हैं, दोनों बातों का समर्थन किया जाना चाहिए, दोनों बातों की बात कही जानी चाहिए। लेकिन परिवार नियोजन जिस तरह से आज दिखाई पड़ता है, जैसे तलाक तो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा गया, हिंदू कोलबिट नाम दिया गया, लेकिन हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार उस पर नियम लागू नहीं होते हैं। और मैं तो चाहता हूं, मेरे साथ में अगर सामर्थ्य होता तो मैं तो कोर्ट में जाकर के और ये जरूर एफिडेविट देता हूं, जाकर के मांग करता कि जब नाम हिंदू कोड रखा हुआ है तो इसमें हिंदू धर्मशास्त्र से संबंधित ही कोड लागू होना चाहिए। आपने उसमें कैसे दूसरे धर्म की चीज हमारे ऊपर लागू कर दी, इसके विरोध में बात होनी चाहिए, एक बात। लेकिन संतान धर्म नियोजन के लिए या परिवार नियोजन के लिए जो बात है, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से ये जो बाह्य पदार्थों के द्वारा नियोजन की बात कही जाती है, इनका पक्षधर हमारा समाज नहीं रहा है। अगर किसी को कम संतान की अपेक्षा है तो वो धर्म पूर्वक पालन करते हुए विषय वासना से दूर रखकर के संयम पूर्वक उनका पालन करे तो ठीक है, एक। दूसरी बात, समय के अनुसार धर्म का अनुसरण होना चाहिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म का अनुसरण होना चाहिए। और वर्तमान परिस्थिति ये कहती है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, धर्म की दृष्टि से भी, राष्ट्र की दृष्टि से। अगर आपने एक ही संतान पैदा किया तो भविष्य में तो सब खत्म। भैया मैं अभी एक पोस्ट पढ़ रहा था, मुझे तो बड़ी पीड़ा हुई, मैं तो चकित रह गया, दिमाग ही खत्म हो गया, सुन्न पड़ गया दिमाग। और वो पोस्ट क्या थी कि अगर आपने परिवार में एक ही लड़का पैदा किया तो फिर अब भाभी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई और बहन, जीजा जी, ये सारे संबंध खत्म, इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो जितने भी संबंध की दृष्टि, अच्छा हमारी पहचान ही संबंधों से, विदेशों में संबंध नहीं है, वो जानवरों की तरह रहते हैं, या दूसरे धर्मों में मजहबों में संबंध की कोई मान्यताएं नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो संबंधों से ही संस्कार है, संस्कारों से ही संबंध है। तो हमारा तो पूरा ढांचा ही खत्म हो जाएगा अगर हमने संतानों पर इस तरह से, ये एक तरह से ये भी अतिक्रमण है हमारे संस्कारों पर। अगर आपने ऐसे संतानों को, एक लड़का होना चाहिए, दो लड़का होना चाहिए, इस तरह की प्रवृत्ति को अगर हमारे ऊपर आरोपित किया तो आप समझ लो कि हम खत्म है, समाप्त है, मिट जाएंगे। दूसरी बात, आप हमारे विषय में जानते हैं, अच्छी तरह से परिचित हैं कि हम 3 भाई थे। हमारे पिताजी ने इच्छा व्यक्त की कि एक भाई है तो सेना में जाए, एक भाई है तो परिवार की सेवा करे, एक भाई है, एक लड़का है तो वो धर्म के क्षेत्र में काम करे। तो 3 बच्चे थे तो पिताजी ने एक को सेना में भेज, हमारे बड़े भाई सेना में चले गए। बीच वाले भाई ने कहा कि हम परिवार की सेवा कर लेंगे, और मैं छोटा सबसे था तो मैंने कहा कि मैं धर्म के लिए समर्पित हो जाऊंगा। तो 3 भाई थे तो हम ऐसा कर सके, लेकिन जब लड़का एक ही होगा तो वो सेना में जाएगा कि साधु बनेगा कि घर की सेवा करेगा, क्या करेगा?
सेना के लिए लोग नहीं मिलेंगे फिर, ध्यान रखना। और अगर आप सोच लो एक भयावह चित्र देखिए कि भविष्य क्या है भारत का, कि यदि हिंदू के एक लड़का होगा वो सेना में जा नहीं सकता है, मुसलमानों के 10 लड़के होंगे वो सेना में जाएंगे, तो कल को सेना में तो सारे के सारे मुस्लिम ही होंगे, तब तो देश तो खत्म हो गया, राष्ट्र खत्म हो गया, फिर क्या है, उनको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। और मैं निवेदन करता हूं हमारे हिंदू भाई बहनों से कि भाई आप किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में 3 बच्चों से, 3 संतानों से कम की संतान की कल्पना कीजिए मत। कम से कम 3 संतान होनी चाहिए, कम से कम 3 संतान होनी चाहिए। उसमें चाहे लड़का हो लड़की हो इसकी चिंता और फिक्र आप मत करना, लड़का होगा तो भी ठीक, लड़की होगी तो भी ठीक, और लड़की होगी तो 2 परिवारों में आपके संस्कार देने की काम करेगी और बढ़ाने की काम करेगी। आप इस तरह की बातें सोचिए। इसलिए कम से कम 3 संतान हो, ताकि एक देश के लिए काम आए, एक परिवार के लिए काम आए, एक सनातन धर्म के लिए काम आए। हमारे साधुओं में नागा साधु कम हो जाएंगे तो फिर तो आगे भविष्य में आप किसी कुंभ में नागाओं का दर्शन नहीं कर सकते, कहां से आएंगे नागा साधु? महात्मा तो संतान पैदा नहीं करते ना, या तो, और हमें तो ऐसा लग रहा है भविष्य में कि कहीं ऐसा ना हो कि महात्माओं को भी संतान पैदा करनी पड़े। अगर ऐसी विकट स्थिति हुई तो शायद ऐसा ही करना पड़ेगा धर्म को बचाने के लिए। लेकिन मेरे हिंदू भाई बहनों से निवेदन है कम से कम 3 संतान। और भाई मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप एक संतान का पालन पोषण नहीं कर पाते, हमें दे दीजिए, हम उसका पालन पोषण कर लेंगे। मैं सार्वजनिक रूप से निवेदन करता हूँ कि अगर आप अपनी संतान का पालन पोषण नहीं कर पाते, हमें दे दीजिए, हम उसका पालन पोषण करेंगे और देश के लिए, देश की सेवा के लिए उसको समर्पित होने लायक बनाएंगे। लेकिन प्लीज कृपा करके और संतान उत्पन्न कीजिए। क्या बात, बहुत अति उत्तम, अति उत्तम।